मगर साहब हम साहिब बरकात से जुड़े हैं। साहिब बरकात कौन, कैसे खलीफा मालूम है? साहिब बरकात ऐसे खलीफा कि शाह फजलुल्लाह का कभी की बारगाह में आप गए खिलाफत हासिल करने, कालपी पे कालपी पहुंचे तो कालपी की सरहद पर शाह फजलुल्लाह खड़े हुए थे। तारीख गवाह है, तुम्हें और कोई नहीं बताएगा, मालेरा वाले ही बताएगा मुझे। मालेरा वाला, मालेरा वाला और मालेरे वालों के बारे में तुम्हें कुछ बताया नहीं गया है, क्योंकि खानकाह की गद्दी पे महदूद रख के अपनी दुकानें जो चालू करना थी। आज तुम्हें मालेरा वाला बता रहा है कि जिस सिलसिले से तुम मंसूब हो, जिस साहिब बरकात से तुम मंसूब हो, जिसकी वजह से तुम बरकाती कहला रहे हो, उसका मकाम और मर्तबा क्या है? जा फजलुल्लाह कादरी कादरी की सलाह पे मिले साहिब बरकात को, और जैसे ही साहिब बरकात आगे बढ़े उन्होंने सीने से लगा दिया, और सीने से लगा कर शाह फजलुल्लाह कादरी ने इरशाद फरमाया तारीखी जुमले फारसी में, आपने फरमाया दरिया बदरिया पैवस। आज एक दरिया दूसरे दरिया से मिल गया, दो पॉइंट तुम्हें समझने की जरूरत है। पहला पॉइंट के हजरत फजलुल्लाह कादरी ने साहिबुल बरकात को गले लगाया, उन्हें पैरों पे झुकने नहीं दिया और फरमाया दरिया पर दरिया पे बस दरिया दरिया से मिल गया। इसी बात की तरफ इशारा करना चाह रहे थे, वहां पे क्या फरमाया, आज दरिया एक दरिया दूसरे दरिया से मिल गया। अगर तुम ये बात समझ गए तो अब मेन बात समझो। मेन बात यह थी कि साहिबुल बरकात को बराबरी का दर्जा देकर और इस बात को जानकर कि मरहला से जो आया है ये कमतर नहीं है, इसके पास कमी नहीं है, इसका प्याला खाली नहीं है। ये फरमाया कि दरिया दरिया से मिल गया, मेरा विज्ञान भी कहता है शाह फजलुल्लाह कादरी ये लोगों को जमाने को बताना चाह रहे थे कि ये वो शख्सियत है जो चाहता तो खिलाफत दे देता, मगर इसने खिलाफत दिया। समझ रहे बात को? हाँ, ये चाहता ये वो दर्जे का है कि ये खिलाफत दे सकता था, मगर इसने यहाँ पर खिलाफत ली, क्यों? क्योंकि ये बस पाप से अकीदत रखता है।